राधे राधे दोस्तों, कैसे हो आप सब? उम्मीद है अच्छे होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। आज हम बात करेंगे यूपीएसआई के लिए। यूपीएसआई में ऐसी कौन सी किताबें पढ़ें कि हमारे कंधे पर सितारे लगना तय हो जाएं? तो जो मैं आज आपको बुक्स बताने वाला हूँ ना दोस्तों, अगर आपने वो बुक्स पढ़ ली तो आपको दरोगा बनने से कोई नहीं रोक सकता है। उम्मीद है कि आप वो बुक्स पढ़ेंगे और आप इस बार अपनी एक सीट पक्की करेंगे। तो बुक्स बताने से पहले मैं आपको एक बात और बता देता हूँ कि जो हमारा बुक सिलेक्शन है ना, वो हमें बड़ा सोच समझ के करना है। किसी और के हिसाब से बुक सिलेक्शन नहीं करना है। जो बुक हमारे दिल और दिमाग में बस जाए, हमें जिससे समझ आए, वो हमें सिलेक्ट करनी है, ठीक है? और जो बुक मैं आपको बताने वाला हूँ वो मेरे हिसाब से बेस्ट है। अगर आपको कोई और बुक अच्छी लगती है तो आप उससे भी पढ़ सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है? तो लेकिन एक चीज हम लोगों को करनी है कि जो बुक हमने अभी सिलेक्ट की, हम पढ़ने लगे जिस बुक से, ठीक है, फिर हमें वही बुक पढ़नी है। एक बार, 10 बार, 500 बार, 50 बार, 5,000 बार, जब तक हमारा सिलेक्शन नहीं होता, हम एग्जाम क्वालिफाई नहीं करते, हमको वही बुक पढ़नी है। तो अब एक और बात करते हैं कि यूपीएसआई के लिए मैं आपको बुक बता रहा हूं। अब ये चीज तो आप सोच ही सकते हो कि जो लड़का या लड़की यूपीएसआई के लिए तैयारी कर रहा है और यूपीएसआई निकालेगा, वो यूपी कांस्टेबल तो बड़े आराम से निकाल सकता है, ठीक है? तो अगर आप बोलो कि सर कांस्टेबल के लिए अलग से बना दो, तो मैं बना दूंगा, लेकिन कांस्टेबल के सिलेबस में जो नहीं है वो हम यूपीएसआई के सिलेबस से हटा देंगे, बुक्स वही रहनी है, ठीक है? अब चलिए मैं आपको सबसे पहले कुछ बुक्स बताता हूं। तो यूपीएसआई के लिए जो बुक्स हैं दोस्तों, तो मैं आपको वो 5 बुक बताने वाला हूँ दोस्तों, 5 बुक। अगर हम बात करें किसके लिए हम बात कर रहे हैं दोस्तों, हम बात कर रहे हैं यूपी एस आई प्लस कॉन्स्टेबल के लिए, ठीक है? यूपी एस आई प्लस कॉन्स्टेबल। अब सबसे पहले हम बात करते हैं मैथ की, ठीक है दोस्तों? अब मैथ में हम बात करें तो मैथ में हमको पढ़नी है महेश मिश्रा जी हैं, इनकी बहुत अच्छी बुक आती है मैथ की, तो हमको उससे शुरुआत करनी है, महेश मिश्रा जी से। और अगर आप साथ में चाहो, लास्ट में क्या है, इसमें यूथ और आती है, ठीक है, जिसमें पीवाई की होते हैं, यूथ कंपटीशन की बुक आती है एसआई की, जिसमें पीवाई की होते हैं, हमको वो लगाने हैं विद एक्सप्लेनेशन। अगर आप थोड़ा बहुत आपको मैथ आता है तो आप डायरेक्ट यूथ लगा सकते हो, आपका टाइम बच जाएगा, ठीक है दोस्तों? अब हम बात करें हिंदी की, तो हिंदी के लिए दोस्तों एक बुक बुक आती है आदित्य, आदित्य की बुक आती है, ठीक है? इसके अलावा आपको और कुछ नहीं लेना, ये बेस्ट है। आप चाहो अगर आप पहले से कोई पढ़ रहे हो तो फिर आप उसी को पढ़िएगा, ठीक है? अब हम बात करते हैं रीजनिंग की, तो रीजनिंग के लिए दोस्तों आप यूथ ले लो, ठीक है, पीवाई की उसके लगा लो, इसकी प्रैक्टिस कर लो सारे, और एक बार हो जाए दोबारा करो, 3 बार करो, 4 बार करो, इससे बेस्ट कुछ नहीं है। अब हम बात करते हैं जीएस प्लस जीके प्लस आईपीसी सीआरपीसी की, तो इसके लिए दोस्तों मैं आपको बताऊं, जीएस के लिए आप यूथ ले लो, ठीक है, और इसमें पीवाई की उसके लगा दो, इससे बेस्ट कुछ नहीं है, इससे टाइम भी बचता है, ठीक है? और अगर आप बेसिक के लिए चाहते हो तो आप बेसिक के लिए प्लस लूसेंट ले सकते हो, ठीक है, लूसेंट ले लो। और आप चाहो तो जीके के लिए मेरी जो क्लास है जीके की, और मैं जीएस की भी अगर आप बोल दोगे तो मैं डाल दूंगा, जीके प्लस जीएस के लिए आप ले सकते हो एसडब्ल्यूए पर मेरी क्लास, अभी डली नहीं है दोस्तों, आप लोग बोलोगे तो मैं डाल दूंगा। अब हम बात करते हैं आईपीसी सीआरपीसी के लिए, तो दोस्तों आईपीसी सीआरपीसी के लिए किरण की मूल विधि की बुक आती है, ठीक है, किरण की मूल विधि की बुक आती है दोस्तों, वो आप ले लो, आपका पूरा आईपीसी सीआरपीसी हो जाएगा। तो ये 5 बुक हैं दोस्तों, 4 सब्जेक्ट हैं, एक आईपीसी सीआरपीसी के अलग है 5 बुक।
ये आप ले लो, यकीन मानो कि आपको दरोगा बनने से कोई नहीं रोक सकता 2024-23 वाली भर्ती में। आप चाहे मेरा यकीन करो ना करो, क्योंकि मैं नया नया फेस है मेरा, आपको लगता होगा कि अरे ये ऐसे ही बात कर रहे हैं, लेकिन ये मैं आपको फैक्ट बता रहा हूं, ये आपको कोई नहीं बताता, क्योंकि सबको अपने पेड़ कोर्स बेचने, मुझे कुछ नहीं बेचना आपको, ठीक है? तो आप बस ये वाली 5 बुक ले लो, आपको दरोगा बनने से कोई नहीं रोक सकता है। और बात करूं कांस्टेबल की, तो कांस्टेबल में दोस्तों, कांस्टेबल में आईपीसी सीआरपीसी नहीं है, तो आप किरण की मूल विधि की बुक हटा दो, ठीक है? बाकी आपका यही रहेगा सिलेबस, आप यही पढ़ो, हिंदी के लिए यही बेस्ट है, रीजनिंग के लिए यही बेस्ट है, मैथ के लिए यही बेस्ट है, आपकी जीएसजी के लिए लूसेंट है और यूथ की पीवाईक्यू है, तो ये आप किरण की बुक हटा दो, बाकी यही सब बेस्ट है। उम्मीद है ये 5 बुक आपको इस बार आपकी सीट पक्की जरूर कराएंगे यूपीएसआई प्लस कांस्टेबल में। ऐसे वीडियो देखने के लिए साथ में बने रहिए, तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए करिए, जिससे मेरा भी थोड़ा मनोबल बढ़ेगा और मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियोस बनाता रहूंगा। धन्यवाद।